मैं बना रही थी वेज, क्योंकि बच्चे लोगों ने अपने हाथ से दाल बनाए थे तो वो दाल थोड़ी बची हुई रखी थी, तो मैं उसी को तड़का देने वाली हूँ और वेजिटेबल सब्जी बनाने वाली हूँ, राइस बनाने वाली हूँ। और माशाल्लाह रोटी तो लक्ष्मी बना कर गई है, तो इंशाल्लाह चलो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ वेज, प्योर वेज। तो उसके लिए मैं अभी क्या क्या ऐड कर रही हूँ वो बताती हूँ आपको। देखिए मैं अभी आज बनाने वाली हूँ कॉलीफ्लावर फूल गोभी। मैंने इसको काट के नमक के पानी में भिगाई हूँ। नमक के पानी से इसके अंदर कुछ भी अगर कीटाणु रहे, समथिंग कुछ भी रहे, तो वो क्लीन हो जाता है। अभी मैं नमक के पानी में इसको भिगाई हूँ। इसके बाद दूसरे ठंडे पानी से वॉश करके इसको मैं भाजी बनाऊंगी। और इसमें कुछ भी नहीं मसाला डालने वाली हूँ मैं। ये गाउटी टमाटर माशाल्लाह क्या दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे रहते हैं ये, खट्टे रहते हैं थोड़े से, बहुत टेस्ट आता है इसमें। और ये लंबी लंबी थोड़ी मोटी दरदरी ये प्याज है ये सब्जी का। और इसके अंदर मैं नमक और ये मैगी मसाला ऐड करने वाली हूँ बस, और कुछ नहीं डालने वाली हूँ। और देखो ये दाल रखी है बच्चे लोगों ने, तो मैं अभी निकाली इसको। इसमें मैं ये प्याज, कड़ी पत्ता और ये खट्टे वाले टमाटे, खट्टे टमाटो बहुत टेस्ट लगते हैं, तो ये गाउटी टमाटो है। तो ये अभी मैं बघार में डाल के इसको थोड़ा चटपटी दाल बनाने वाली हूँ, सब्जी बनाने वाली हूँ। चावल तो मैं बना रही हूँ और रोटी मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं भाजी में तड़का देती हूँ, बिकॉज भाजी के ऑयल बहुत गर्म हो चुका है। ये दाल का तड़का देने वाली हूँ। दाल में मैं आपको बताना चाहूँगी, दाल ऑलमोस्ट ये रेडी है। अदरक लहसुन और हल्दी और दाल, टमेटो, ये सब चीज़ें रेडी है। बट कैसा, मैं नहीं थी तो बच्चे थोड़ा तीखा खाते, तो हम लोग तीखा नहीं खाते और इतनी सारी दाल बची है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ मैं वेस्ट नहीं करूँ। तो इंशाल्लाह अभी मैं अगर ये तड़का दूँ और थोड़ा सा चटपटा बना दूँ तो ये हमारे अभी एक टाइम का खाना हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ये वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। तो थोड़ी सी इसको थोड़ी सी चटपटी, फीकापन, मतलब ये है तीखी थोड़ी, तो बच्चों ने तीखी बना के खाई, तो मैं इसको भी टमेटो, खट्टे टमेटो वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा तीखापन कम करके अभी मेरा रात का एक टाइम का खाना इसको एडजस्ट कर रही हूँ। और इसमें मैं बताई थी आपको कि मैं दरदरी प्याज, कड़ी पत्ता और टमेटो, देखो ये दरदरे मैंने टमेटो भी कर ली हूँ और ये खट्टे वाले टमेटो, तो मैं अभी दाल का तड़का दे रही हूँ। और तेल, भाजी का तेल तो बहुत गर्म हो गया, और मैं ये गोल गोल टमेटो काटूंगी क्योंकि वो कॉलीफ्लावर बड़े बड़े हैं। प्याज भी देखो बड़ी मोटी मोटी काटी हूँ मैं। और इसमें सिर्फ मैगी मसाला ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी। तो मैं पहले दे रही हूँ भाजी का तड़का। बिस्मिल्लाह, तेल माशाल्लाह गर्म हो चुका था। और अभी मैं दाल के लिए कड़ी पत्ता निकाल रही हूँ। और ये वीडियो खास करके लॉन्ग वीडियो में जाने वाला है, और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरा लॉन्ग वीडियो भी बहुत अप्रिशिएट करते हो, बहुत व्यूज़ देते हो, तो दिल से आपका शुक्रिया बोलती हूँ। और बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये कुकिंग वाला वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। लीजिए, मैंने अभी कड़ी पत्ते भी निकाल ली हूँ। बस अभी मैं यहाँ पे दाल के तड़के में कड़ी पत्ता और प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ। आवाज आई आपको? और खुशबू महकना चालू हो गई मेरे किचन में। अब भाजी का पहले रेडी कर लो, और भाजी का जो प्याज है ना वो लाल नहीं करना आप, बस इसको थोड़ा सा नरम करना। और उसी के साथ ही मैं आपको दूसरा आगे का बताती हूँ कि मैं कॉलीफ्लावर और टमेटो साथ में ही ऐड करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ सब। थोड़ा सा ये इसको सॉफ्ट होने दीजिए। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहती थी कि दाल, ये रखी हुई दाल को मैं कैसे टेस्टी बना रही हूँ, तो इसलिए देखो इसका प्याज इस तरीके से करना आप, और उसी के साथ में ये दरदरी टमेटो और खट्टे टमेटो अगर आप डालोगे तीखे तीखी दाल में तो बहुत टेस्ट देगा। ये तो सबको ही पता होगा जो कुकिंग करते हैं, जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं, तो उनको पता ही है कि कैसे टेस्ट आता है कौन सी चीज़ों से। सिर्फ मेरा ठीक है दिखाने का एक तरीका होता है, और आप लोग पसंद करते हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए ये भाजी का मैंने आपको बताई थी ना, तो ये प्याज इतनी होनी चाहिए। इसी के साथ ये कॉलीफ्लावर मैंने नमक के पानी में से निकाल के साफ पानी से धो ली हूँ। इसी के साथ अभी ये ऐसे गोल कटे हुए टमेटो ऐड करूँगी। चलो मैं आपको अभी भाजी बता रही हूँ, कांदा हो चुका है, तो आप इसमें कॉलीफ्लावर ऐड कीजिए, और आप इसी के साथ में ये टमेटो भी, ये राउंड काटना अभी टमेटो, आप इसी के साथ इसको ऐड कीजिए। और मैं ये भाजी में ये मैगी मसाला डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ, तो ये डाल के आप अच्छे से इसको चलाइए। मैं अभी ये सब ऐड करके फिर आपको बताती हूँ।
देखो ये कॉलीफ्लावर की सब्जी है, मैंने टमेटो और कॉलीफ्लावर, प्याज और इसके अंदर सिर्फ मैगी मसाला और नमक डाली हूँ। आप चाहो तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, रेड चिली मत डालना, रेड चिली से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। आप जो तीखा खाने वाले शौक है तो वो आप रेड चिली सॉरी ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए इसके अंदर, तो आपको बहुत अच्छा स्वाद देगा। तो मैं हम लोग तीखा नहीं खाते ज़्यादा, इसीलिए मैं सिर्फ मैगी मसाला, मैंने इतनी भाजी में 2 मैगी मसाले के पैकेट डाले हूँ। और माशाल्लाह देखो ये दाल का मसाला जो मैं बता रही थी आपको, ये पूरा रेडी हो चुका है। ये खट्टे वाले टमेटो वाला, इसमें एक्चुअली ये मिक्स दाल है। अगर आप सादी दाल बॉईल करके डालना चाहो तो इसके अंदर यही मसाले के अंदर आप राई और कड़ी पत्ता, राई और कड़ी पत्ते का बघाड़ देके फिर ऐसे दरदरी प्याज, लहसुन और टमेटो डाल दीजिए और हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल के तो आप बॉईल करते ही हो दाल, तो ये और आपको टेस्ट देगा। और ऊपर से छिड़कने के लिए आप कोथमीर डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी दाल बनेगी और ये टेस्टी वाली वेजिटेबल सब्जी। चलो मैं कुछ आपको बात भी करना चाहती थी, तो सब्जी भी मिक्स करती हूँ, बात भी करती हूँ। तो मैं अजमेर में जब जाती हूँ तो मेरी सब गुजरात के लोग बहुत मुझे लाइक करते, बहुत ज़्यादा पसंद करते। तो अब मुझे मोस्टली आते हैं सेल्फी के लिए कि आपका एक सेल्फी हम लोग बहुत पसंद करते, कुकिंग पसंद करते, आपका आयु भाई का प्यार पसंद करते। तो गुजरात वालों के लिए ख़ास आज वेजिटेबल का सारा ये जो खा रहा है ये ख़ास गुजरात वालों को प्रेजेंट है मेरे तरफ से। हालांकि आप लोग तो वेज बहुत अच्छा बनाते हो, बट एक छोटी सी कोशिश होती है कि मैं भी आपको कुछ अलग तरीके से बताऊँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और मैं जो भी बताती हूँ जो घर में अवेलेबल होता है वो बताती हूँ, नॉट स्पेशल कि आप ये लाओ वो लाओ, नहीं, जो आपके पास है अवेलेबल आप उसी से बना सकते हो अच्छे से अच्छा खाना। तो यही कोशिश होती है कि जो घर में रहता है मैं आपको उसी से बताती कि आप उसी से अच्छा टेस्टी खाना अपनी फैमिली को खिला सकते हो। और ये आज का पूरा वेज खाना मेरे गुजरात वालों के लिए, तो मैं आपके लिए खास ये वेज खाना बता रही हूँ, ठीक है। ये भाजी में मैं पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि कॉलीफ्लावर में बहुत पानी होता है और उसके बाद में टमेटो में पानी होता है, तो यही पानी से मैं उसको सॉटे करूँगी। और जब ऐसे थोड़ा सा उसे एकदम लास्ट में सूखने लगे मैं स्लो आंच पे छोड़ दूंगी। और ये कॉलीफ्लावर देसी वाले जो छोटे छोटे होते हैं ना वो है, क्योंकि वो एकदम घट होते हैं और बड़े वाले जो होते हैं वो एकदम टेस्ट नहीं आता क्योंकि एक भाप में वो आटा जैसा हो जाते हैं। और ये देसी वाले हैं तो ये थोड़े खाने में कुरकुरे क्रंची लगते हैं, तो ये वो वाले हैं। और माशाल्लाह मेरे भाजी भून रही है, दाल भी देखो हो चुकी है। और मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि मैं अजमेर जाती हूँ तो बहुत खट्टा खाती हूँ। देखो ये तो इमली है, ये मैं खाते ही रहती हूँ, अभी भी लाई हूँ मैं। और ये देखो ये ख़ास वहाँ का आम, सूखा हुआ आम, मसाले वाला आम रहता है, ये तो मैं ऐसे भी खाते रहती हूँ लेकिन इस बार मैंने कुछ कुकिंग के लिए लाई हूँ। ये उससे भी ज़्यादा ये खट्टा आम है, ये भी नमक मसाला लगा हुआ लेकिन ये काला, बट ये बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। तो मैं ये खास करके लाई हूँ, बॉम्बे में बांगड़ा फिश मिलती है, ये बांगड़ा फिश मसाला जब आप बनाते हो तो आप अगर ये ऐड करो तो लाजवाब खट्टा वाला मसाला बनेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह ये डाल के मैं आपको बताऊंगी, ये मैं वही नियत से वही सोच से मैं ये लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी आपको ये बताने की, बांगड़ा मसाला बनाऊंगी जब भी। और देखो ये भी मैं आम पन्ना भी लाई हूँ खट्टा वाला, मुझे खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो सब्जी पूरी रेडी हो गई है, बस अभी मैं बंद ही कर रही थी, विदाउट पानी की ये बनी है, आप देख सकते हो उसका ऑयल छूट गया है पूरा। माशाल्लाह ये सब्ज़ी पूरी रेडी हो गई, अब मैं ये बंद कर रही हूँ, ये मैंने बंद कर दिया गैस। और ये दाल मेरी रेडी हो चुकी है, मैं रख चुकी हूँ उसको। चलो मैंने आपको वेज खाना बताई, इसमें कुछ अगर गलती हो, कुछ अगर मिस्टेक हो तो आई एम वेरी सॉरी। और दिल से आपके लिए मैंने ये वेज खाना बनाई हूँ।